हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक चीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसिक चॉकलेट केक। ये केक काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और सिंपल मेथड का यूज़ किया है। तो आइए अब हम इस इजी और टेस्टी चॉकलेट केक बनाने की प्रोसेस देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर, 1/3 कप अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसके जगह बटर या घी का भी यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा वेनिला एसेंस। यहाँ पे मैंने 1 कप गुनगुना दूध लिया है। इसे बैटर में थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध डालकर बैटर को स्मूथ कर लेंगे। अब हमें इस बैटर को 5 से 10 मिनट तक अच्छे से विस्क करना है ताकि ये काफ़ी लाइट और फ्लफी हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा स्मूथ और सिल्की बैटर बनकर तैयार हो चुका है। केक के लिए बैटर की ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक मोल्ड लेंगे और इसे रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। हमें मोल्ड के ऊपर वाले पार्ट्स में भी ऑयल लगाना है ताकि केक कहीं से भी चिपके नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम केक टिन में बैटर डालेंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि मोल्ड में 1/2 स्पेस खाली होना चाहिए ताकि केक अच्छी तरह से फूल सके। अब हम मोल्ड को 1 से 2 बार टैप कर लेंगे ताकि बैटर अच्छे से सेट हो जाए। और ये हमारा केक बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम एक गैस तंदूर, तवा, कढ़ाई या कुकर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। तंदूर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें केक मोल्ड को प्लेस करेंगे। इसे हमें ढककर लो फ्लेम पे 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे एक टूथपिक डालकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि ये परफेक्टली बेक हो चुका है। केक को हम कुछ देर तक ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। केक को डीमोल्ड करने के लिए हम इसके साइड से चाकू डालेंगे। अब हम मोल्ड को पीछे पलटकर इसे टैप करेंगे। आप देख सकते हैं कि आसानी से डीमोल्ड हो चुका है और ये हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी चॉकलेटी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा केक माइक्रोवेव ओवन में बेक किया है। इसे मैंने कन्वेक्शन मोड में 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए बेक किया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। ओवन वाले केक को भी हम अच्छे से डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने ओवन और गैस तंदूर दोनों ही मेथड से केक बनाया है। आपको जो कन्वीनियंट हो आप उसे बना सकते हैं। आप इस केक को चॉकलेट सिरप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी मेरे इस ईजी चॉकलेट केक की रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।